तो नहीं चाहिए, इन्वर्टर है तो नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ अगर ये P को क्रॉस करने वाला है तो VP जो भी टेंशन हम इसको दे रहे हैं दैट इज TP। हमने कहा था एक मिनिमम एफर्ट है जो आपको लगाना पड़ेगा एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट, जबकि ये इस सर्किल में अपर एंड फर्दर अपर को क्रॉस करते हुए एक सर्कुलेशन कम से कम पूरा करेगा। कहा था कंडीशन ऑफ लूपिंग द लूप, मिनिमम एफर्ट एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द TLC कॉल्ड क्रिटिकल टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट, तब जाके इसको एक वेलोसिटी मिलेगी कॉल्ड VLC। दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी इम्पार्टेड एट द लोएस्ट पॉइंट, इससे ज्यादा होगी तो बहुत अच्छा है। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी VLC से कम हुई तो ये सर्किल नहीं बना पाएगा। इन अ सेम वे यहाँ आपको एक एफर्ट, मिनिमम एफर्ट मेंटेन करना पड़ेगा दैट इज TMC क्रिटिकल टेंशन एट द मिडलेस्ट पॉइंट, तब जाके इसको एक मिनिमम वेलोसिटी इम्पार्ट होगी कॉल्ड द मिनिमम वेलोसिटी एट द मिडलेस्ट पॉइंट और क्रिटिकल वेलोसिटी एट द मिडलेस्ट पॉइंट। इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी VM इसकी इस क्रिटिकल वेलोसिटी से ग्रेटर होनी चाहिए। जब ये हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस कर रहा होगा तो एक मिनिमम एफर्ट आपको यहाँ देना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड द THC क्रिटिकल टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। इंस्टेंटेनियस टेंशन की वैल्यू क्रिटिकल टेंशन से ग्रेटर होनी चाहिए एंड अब जाके इसको एक मिनिमम वेलोसिटी इम्पार्ट होगी जिसके लिए टॉप मोस्ट पॉइंट को क्रॉस कर रहा होगा दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट हमेशा ज्यादा होना चाहिए टू दिस, तब ये सर्किल पर मेंटेन होगा। एंड फाइनली जब ये एम डैश को क्रॉस करने वाला होगा तो यहाँ मिनिमम टेंशन जो डेवलप हो सकेगा दैट इज द TM-C क्रिटिकल टेंशन, जो भी है यहाँ इंस्टेंटेनियस टेंशन इसकी सबसे छोटी वैल्यू है ये, अदरवाइज इससे ज्यादा होगा। जो भी ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ये एक पार्टिकुलर वैल्यू से कम नहीं हो सकती और वो पार्टिकुलर वैल्यू है VM-C। इतने पैरामीटर हमने इंट्रोड्यूस किए थे और हमने कहा था लेट अस मेक द इक्वेशन, देखते हैं कितने इक्वेशन बनते हैं। हमने कहा था एट एनी पॉइंट पी पर हाथ रखिएगा तो यहां आपको मिलेगा दैट, ध्यान से देखिएगा आप, ये मिल गया आपको एज द MG, एम फॉर मास एंड जी फॉर ग्रेविटी। जिस सर्किल पर मेंटेन है उस सर्किल पर ये जहां है टेंजेंट खींचेंगे तो दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ मोशन, और उसका परपेंडिकुलर सोचेंगे तो रेडियल मिलेगा कॉल्ड नॉर्मल टू द लाइन ऑफ मोशन। ये जो ये वाली लाइन है इस पर नेट इनवर्ड फोर्स हमेशा MV स्क्वायर से इक्वेट किया जाना चाहिए क्योंकि ये वो फोर्स होता है जो पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन को मॉडिफाई करके उसको सर्किल पर मेंटेन रखने की कोशिश करता है। अगर ये नहीं आएगा तो ये निकल जाएगा स्ट्रेट लाइन ट्रैक पर, सर्किल पर मेंटेन नहीं हो सकता। तो यहां अगर आप देखें ये थीटा है तो अकॉर्डिंगली ये थीटा हो जाएगा, सो MG का जो कंपोनेंट इस पर आएगा वेक्टर से वो MG का कॉस हो जाएगा और जो इस पर आएगा वो MG का साइन हो जाएगा। देख रहे हैं राइजिंग वेलोसिटी के अगेंस्ट वेट का एक कंपोनेंट आ रहा है, इससे पता चल रहा है कि पी पर वेलोसिटी का अपोज हो रहा है। ये बिल्कुल वही है जब हम फ्लाई ओवर पर चढ़ते हैं, हमारी वेलोसिटी का भी अपोज होता है, एक्सीलेटर रहता है बाइक में, स्कूटी में या आपके रिक्शे में, तो आप उसको बढ़ा के अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं और अगर नहीं तो आपको दम ज्यादा लगाना पड़ता है। गाना गाते हैं दम मारे दम, ठीक है। तो यहाँ MG का MG cos थीटा रेडियली आउटवर्ड और टेंशन एट P रेडियली इनवर्ड, और MG का MG sin थीटा वेलोसिटी घटा रहा है। यहाँ अंदर की तरफ कौन TP प्लस लिखा जाएगा, बाहर की तरफ कौन MG cos थीटा नेगेटिव लिखा जाएगा। TP माइनस MG cos थीटा जो भी बच रहा है इज द इनवर्ड, और आपको पता है दिस इज द नेसेसरी सेंटीपेटल फोर्स एट P, तब सर्किल मेंटेन है। यानी कि P पर हाथ रखा है तो आपको इक्वेशन मिल रहा है TP माइनस MG cos थीटा इज इक्वल टू MV स्क्वायर बाई R, MV² / R, where R रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। यानी द मैथमेटिकल इक्वेशन
of the circulating particle at the point P is that Tp minus mg cos theta is equal to mvp square by r. यहाँ tension Tp और यहाँ की velocity Vp में ये relation है. अगर ये relation violate हुआ तो ना तो इसको sufficient tension मिलेगा और ना इसको sufficient velocity. कोई guarantee नहीं है कि ये circle पर maintain हो पाए. खास बात, इस थीटा को 0 डिग्री करता है तो पी एल में कन्वर्ट हो जाएगा. तो सोच के देखिए, अगर थीटा को 0 डिग्री करता है तो पी की जगह एल पर आ जाएंगे, टीपी की जगह टीएल हो जाएगा. एमजी कॉस थीटा 0 रखने के बोल रहे हैं, कॉस 0 1 होता है, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर में वीपी जो पी था वो एल हो गया. क्या हो जाएगा ये, क्लियर है? यानी जब L पर आप कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने जाएंगे तो इक्वेशन आप मोशन होगा TL माइनस mg इक्वल टू mvl स्क्वायर बाई r. आप डायरेक्ट भी बना सकते थे. कैसे? यहाँ वेट ऐसे काम कर रहा है, देखते रहिएगा, टेंशन इनवर्ड काम कर रहा है प्लस TL माइनस mg हो गया इनवर्ड इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r. डायरेक्ट भी बना सकते थे. हमने एक इंस्टेंटेनियस पॉइंट पी डिसाइड किया और उस पी को कन्वर्ट करके आपको दिखा रहे हैं. लेकिन जब आप इसके बाद अगला चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आप मैथमेटिकल किसी भी पॉइंट पर सारे पैरामीटर्स को इंटर रिलेट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने वाले हैं कॉल्ड द फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम सेज दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल को ग्राफिकली शो कर लीजिए. और अगर ये ग्राफिकली शो हो जाए तो सर्कुलर मोशन के लिए आपके पास रूल होता है नेट इनवर्ड इज ऑलवेज द नेसेसरी सेंटीमीटर. तो इनवर्ड में टीएल अंदर लग रहा है, एमजी बाहर लग रहा है, तो टीएल में से एमजी हटा लीजिए, जो बचा दैट इज द नेट इनवर्ड. ये न्यूमेरिकली एमवी स्क्वायर बाई आर होना चाहिए. अगर ऐसा है तो सर्किल पर मेंटेन हुआ, अगर नहीं तो सर्किल पर मेंटेन नहीं हुआ. अगर आप थीटा को 90 डिग्री कर लें तो एम पर पहुंच जाएंगे, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. कोई बोलेगा इक्वेशन, हाँ सही है, टीएम माइनस एमजी कॉस 90 गायब हो गया इज इक्वल टू एमवी स्क्वायर बाई आर में वी है वेलासिटी, एनी वेलासिटी है टीएम. इसका मतलब है कि जो टेंशन टीएम हम लगा रहे हैं उसका इस वेलासिटी वीएम के साथ रिलेशन है. टेंशन एट द मिडलेस्ट पॉइंट इज इक्वल टू एम बी एम स्क्वायर बाई आर, वेयर एम फॉर मिडलेस्ट पॉइंट है, स्मॉल एम फॉर मास है. ठीक है, ये वो टेंशन है जो आपने लगाया और बदले में बीएम वेलोसिटी क्रिएट हुई. अगर मैं कहता हाईएस्ट पॉइंट का इक्वेशन बोलिए तो क्या बोल पाते? हाँ बोलिए तो जरा. एट एच थीटा की जगह आपको 180 रखना पड़ेगा. अब पी की जगह हाईएस्ट पॉइंट एच हुआ तो आपके पास हो जाएगा टी एच प्लस एम जी. क्लियर है? कैसे प्लस एम जी हो गया? माइनस एम जी कॉस 180. कॉस 180 होता है माइनस वन, जैसे माइनस वन रखेंगे हो जाएगा प्लस एम. तो ध्यान से देखिए, टेंशन भी इनवर्ड और वेट भी इनवर्ड, तो नेट इनवर्ड दोनों ऐड नहीं हो गया. डायरेक्ट भी सोच सकते थे, नहीं सोच सकते थे तो आपके सिलेबस में जो मेथड है वो मेथड आपको लिख के दिखाए हैं कि किसी पॉइंट का इक्वेशन जनरेट कर देते हैं और उसमें थीटा को वेरी कराते हैं. तो कभी हम लोएस्ट पॉइंट पर होते हैं, कभी इंस्टेंटेनियस पर होते हैं, कभी मिडलेस्ट पर होते हैं, कभी हाईएस्ट पर होते हैं. हमने थीटा इज इक्वल टू 180 रखने को बोला तो हम चले आए यहाँ एच पर, हो गया टी एच प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी एच स्क्वायर बाई आर. मतलब जो भी टेंशन आप दे रहे होंगे हाईएस्ट पॉइंट पर, वो जो भी वेलोसिटी वीएच क्रिएट करेगा उसके लिए इक्वेशन बन रहा है टीएच प्लस एमजी इक्वल टू एमवीएच स्क्वायर बाई आर. जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको ये इक्वेशन बनाने आना चाहिए. ठीक है, इससे न्यूमेरिकल लगेगा. अब आपके सिलेबस में ये है कि मिनिमम टेंशन कितना आपको इम्पार्ट करना पड़ा टू दिस दैट इज टीएलसी, सो दैट इसको सबसे लोएस्ट वेलोसिटी मिली वीएलसी, जिसके लिए चढ़ते हुए मिडलेस्ट पॉइंट पर पहुंचा और यहां बची हुई मिनिमम वेलोसिटी थी वीएमसी, जिसको लेके ये चढ़ना शुरू किया और जस्ट एच तक पहुंचा और एच तक पहुंचने के बाद अभी इसके पास बची हुई
मिनिमम वेलोसिटी थी वीएफसी, जिसको लेके थोड़ा सा आगे बढ़ा और थोड़ा सा आगे बढ़ते ही आप देख सकते हैं अगर पेंडुलम यहां आ गया, अगर वेलोसिटी ना भी बची हो तो ये गिर नहीं सकता। गिरने का मतलब ये ऐसे नहीं गिर सकता, क्यों? क्योंकि वेट mg का एक कंपोनेंट हो जाएगा ऑन रेडियस और एक कंपोनेंट हो जाएगा ऑन टेंजेंट। देख रहे हैं mg का ये वाला पोर्शन सेंट्रिपिटल वाला पार्ट हो जाएगा और mg का ये वाला पार्ट इसकी वेलोसिटी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसी लाइन पर ना गिर रहा है ये। यानी कि हाईएस्ट पॉइंट क्रॉस करने के बाद वेट का कंपोनेंट इसकी वेलोसिटी को सपोर्ट करता है, यानी फिर इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगती है। राइजिंग तक घटी होगी, निकाल के देख ले रहे हैं अभी, और गिरने के टाइम पर वेलोसिटी बढ़ी होगी यहां उतनी, चढ़ने की जितनी वेलोसिटी यहां आएगी उतनी ही जब यहां से गिर के यहां पहुंचेगा तो एग्जैक्ट उतनी ही वेलोसिटी यहां आएगी, और फिर और गिरेगा तो फिर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, फिर चढ़ेगा वेलोसिटी घट गई, और चढ़ेगा और वेलोसिटी घट गई, गिरेगा वेलोसिटी बढ़ गई और गिरेगा वेलोसिटी बढ़ गई। इस तरह से 50% राइजिंग और 50% फॉलिंग एक्सप्लेन करने वाले हैं। हमें ढूंढना है मिनिमम टेंशन इंपार्टेड कितना, कितना मिनिमम एफर्ट करना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, इस फ्लाईओवर पर आप जाना चाहते हैं और आप कोई भी वेलोसिटी साइकिल की रख के जा सकते हैं क्या? एक मिनिमम वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी के लिए आप एफर्ट नहीं भी करेंगे तो आराम आराम से आप मेंटेन रहेंगे। और एक वेलोसिटी ऐसी होगी, पता चला गए यहां तक सारी एनर्जी खर्च, अब रिटर्न बैक होना पड़ेगा या आपको अमाउंट ऑफ एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा। तो राइजिंग की एक मिनिमम वेलोसिटी है, एक मिनिमम एफर्ट है, अगर उससे कम हुआ तो आप सर्किल जो कि भविष्य में फ्लाईओवर या टर्न बनने वाला है, जो आप टर्न लेते समय मुड़ते हैं वो इस रूल से गवर्न होगा, फ्लाई ओवर पर जब आप चढ़ते या उतरते हैं वो इस रूल से गवर्न होगा। तो इस रूल में आपकी एक मिनिमम वेलोसिटी है, आपका एक मिनिमम एफर्ट है। तो चलिए हम सबसे पहले हाईएस्ट पॉइंट पर हाथ रखते हैं, किस कंडीशन में ये हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस करेगा। अरे कम से कम इतनी वेलोसिटी तो इसको दे दीजिए कि इसका डेवलप्ड फ्यूगल एम वी स्क्वायर बाई आर इसके वेट एम जी को बैलेंस कर रहा है, कम से कम फ्लोटिंग कंडीशन में आ जाएगा ना, विटवा तो मैनेज हो जाएगा, तो उड़ने की कंडीशन में होगा ना ये। इसका मतलब है कि सबसे लोएस्ट वेलोसिटी तो आप वीएचसी देने वाले हैं, इसका मतलब है उस वीएचसी से डेवलप्ड फ्यूगल क्या करने वाला है, इनके वेट को काउंटर बैलेंस करने वाला है। बेनिफिट, अगर वेट काउंटर बैलेंस हो गया तो वेलोसिटी जीरो हो भी जाती तो वो गिरता नहीं, वो थोड़ा वेलोसिटी नहीं है, आप ऐसे कह लीजिए कि एफर्ट अगर आपका थोड़ा कम भी पड़ता तो फ्लोटिंग कंडीशन में होता, वो इनर्शिया की वजह से अपनी पुरानी स्टेट को कंटिन्यू रखने की कोशिश करता और इस प्रोसेस में वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता। दिस मीन्स दैट टू क्रॉस द पॉइंट एच मैथमेटिकल कंडीशन इज दैट डेवलप्ड फ्यूगल एम वी स्क्वायर बाई आर एट एच ग्रेटर देन होना चाहिए या चलिए इक्वल टू एम जी होना चाहिए। वी की सबसे लोवेस्ट वैल्यू आप वी एफ सी बोल रहे हैं, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट सो दैट इट इज कैपेबल टू क्रॉस द हाईएस्ट पॉइंट एच। तो आपके पास जैसे ही आप वी एच को वी एफ सी से हटाएंगे इज इक्वल टू का क्राइटेरिया लगा देंगे, क्लियर है? क्यों? क्योंकि वैसे तो ग्रेटर होना चाहिए लेकिन सबसे लोएस्ट वेलोसिटी वीएफसी के लिए क्या हुआ होगा, वेट के बराबर हो गया होगा। इसका मतलब है टू क्रॉस द हाईएस्ट पॉइंट आपके पास है एम वी स्क्वायर बाई आर एट द हाईएस्ट पॉइंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू वेट एम जी, ये एच को क्रॉस करने की कंडीशन है। और यहां एच की सबसे लोएस्ट वेलोसिटी अगर सोची जाए तो दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, ये लिखा जाएगा एम वी एच स्क्वायर बाई आर, ये हो जाएगा इक्वल टू एम जी। एम और एम कैंसिल हुआ, यहां से आपको क्रिटिकल वेलोसिटी बात मत कीजिए एट द हाईएस्ट पॉइंट मिल जाएगा अंडर रूट आर जी। ये वो मिनिमम वेलोसिटी है जो उस पार्टिकल के पास या फ्लाई ओवर पे आपके पास बची होनी चाहिए ताकि आप टॉप मोस्ट पॉइंट को इजीली क्रॉस कर सके। तो अगर वी एच सी अंडर रूट आर जी है तो टी एच सी कितना रहा होगा, क्योंकि वेलोसिटी जस्ट टू क्रॉस द हाईएस्ट पॉइंट हमें पता चल चुका है दैट इज द अंडर रूट आर जी। तो ये अंडर रूट आर जी तो पहले भी आया था, जैसे रोटेटर में भी आया था एंड बकेट ऑफ वर्लिंग इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टॉप मोस्ट पोजिशन पे बकेट के रिवर्स मोशन को जाने के बाद भी उसमें से पानी न गिरना जो था वो इस वेलोसिटी के लिए पॉसिबल था।
तो यहाँ हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट पता चल रही है इज द VHC। इसको ले आइए, किस इक्वेशन में भरेंगे? हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन का कहीं इक्वेशन लिखे हैं? यहाँ लिखे हैं एट एच, क्या लिखा था आपने? एनी टेंशन प्लस वेट इज इक्वल टू एनी वेलोसिटी का नेसेसरी सेंट्रीपेटल, यही लिखा है ना? आप VHC बहुत सारी वैल्यू में से सिर्फ एक वैल्यू जान रहे हैं, द मिनिमम वैल्यू टू क्रॉस द एच, तो आपको क्या पता चलेगा? द मिनिमम टेंशन इम्पार्टेड टू क्रॉस द एच, यानी जब VHC रखेंगे तो TH का TH निकल जाएगा, राइट? हाईएस्ट पॉइंट की एनी वेलोसिटी में से एक वेलोसिटी पता है आपको सबसे कम वाली, तो सबसे कम वाला टेंशन इस तरीके से अगर हम इक्वेशन बनाए तो इक्वेशन इज दिस, ये पहले ही आपको बता दिए, इसमें हम VHC रखने वाले हैं, द मिनिमम वेलोसिटी इम्पार्टेड, तो द मिनिमम एफर्ट विच वी हैव टू डन इज द THC। चलिए रख देते हैं, ये हो गया THC प्लस MG, बिल्कुल ऐसे ही प्रिंटेड में भी दिया गया है और आपको रटना होगा क्योंकि ये लिखने के लिए भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है। MR VHC, VHC आपके पास है, अंडर रूट RG स्क्वायर बना के रखेंगे तो हो जाएगा RG, RR कैंसिल हुआ, MG और MG कैंसिल हुआ, THC इक्वल टू जीरो। आपको याद करना होगा हाईएस्ट पॉइंट क्रॉस करने की कंडीशन होती है अगर हम एफर्ट बंद भी कर दें हाईएस्ट पॉइंट पर, लेकिन उसके पास बची हुई वेलोसिटी अगर उसका RG है तो उसका सेंट्रीफ्यूगल उसको मैनेज कर देगा, क्योंकि हम टेंशन तो बंद कर दिए, फिर वो सर्किल पर क्यों मेंटेन है? क्योंकि उसका जो VHC है वो उसको इतना फ्यूगल दे रहा है कि उसके वेट को काउंटर बैलेंस कर ले रहा है और वो उड़ते हुए हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस करके जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ जा रहा है और आगे बढ़ते ही वेट का कंपोनेंट फॉर सर्किल पीछे वेलोसिटी प्रोवाइड कर दे रहा है। इसका मतलब है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का पहला मैथमेटिकल क्राइटेरिया आपने पूरा किया, एंड दैट क्राइटेरिया इज दैट अगर आप चाहते हैं ये पेंडुलम वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मेंटेन हो, डिज्नीलैंड में वो सब जो झूले हैं वो सब इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, अगर थोड़ी सी गलती हुई तो रूल के बाहर, और मशीनें रूल के बाहर होंगी ना तो बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है? नई ब्रांड न्यू कार लेके आ रहे हैं और वो बोलता है सर ब्रेक नहीं लगता टाइम पे, मर्जी का मालिक है, जब लगना होगा लगेगा, नहीं लगना होगा नहीं लगेगा, आप क्या बोलेंगे? लाओ दे तो देखा जाएगा, आप बोलेंगे ऐसा करो अपनी गाड़ी रखो, क्यों? वो बोलेगा सर एक्सीलेटर लेते हैं तब, नहीं जब मन करता है तब एक्सीलेट होती है, ये भैया जी कौन सी गाड़ी है, क्यों? वो आपकी आज्ञा मानती है ना, ओबेइंग योर ऑर्डर, और ना माने तो क्या कहते हैं? वायरस, बैक्टीरिया, क्यों? कंप्यूटर जब ऑर्डर नहीं मानता आपका, प्रिंट नहीं कर रहा है, पेज ओपन कर रहा है ब्राउज़र ओपन नहीं हो रहा है, हैंग है, तो क्या करते हैं? एंटीवायरस चलाते हैं ना, मतलब आप चेक करते हैं कि क्या सॉफ्टवेयर में कोई कमी या कोई दिक्कत है, कोई स्टेप मिसिंग है, तो बिल्कुल वैसे है। हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्राइटेरिया डिस्कस कर रहे हैं, कॉल्ड लूपिंग द लूप। लूपिंग द लूप कहता है कि आप इस सर्किल में तब तक मेंटेन हो पाएंगे जब तक इन मैथमेटिकल रिलेशंस में स्थित है, अगर इस मैथमेटिकल रिलेशंस के बाहर निकले तो आप इस सर्किल पे नहीं मिलेंगे, फ्री फॉल हो चुके होंगे, मतलब कहीं ट्रेजेक्ट्री, ये जो है सर्किल इज द ट्रेजेक्ट्री, सर्कुलर मोशन, छूट चुका होगा सर्किल और छूटने के बाद वापस तो जमीन पर ही आना है, ठीक है? प्रोजेक्टाइल मोशन का रूल लग जाएगा, ठीक है? देखेंगे किस स्टेट में पहुंचते हैं। हमने एक डिस्कशन आपको दिया कि हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस करते समय मिनिमम वेलोसिटी अंडर रूट RG होना चाहिए एंड मिनिमम टेंशन जीरो होना चाहिए, उससे ज्यादा टेंशन हो तो बहुत तेजी से क्रॉस कर जाएगा और इससे कम तो हो ही नहीं सकता टेंशन, तो हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस करने का क्राइटेरिया। अब आप अगर यहां बची खुची वेलोसिटी अंडर रूट RG है तो यहां की लोवेस्ट वेलोसिटी कितनी रही होगी, कैसे निकलेगा? जब दो पॉइंट की बात होती है तो एनर्जी कंजर्वेशन लग सकता है ना, टोटल एनर्जी एट वन पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट अदर पॉइंट, क्यों? एनर्जी कंजर्वेशन लगा लें, एनर्जी कंजर्वेशन क्यों लगा लें? एच की वेलोसिटी पता चल गई VHC, तो हम जानना चाहते हैं कि लोवेस्ट पॉइंट की क्रिटिकल वेलोसिटी VLC कितनी रही होगी। तो चलिए हम टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट लिखते हैं, टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट लिखते हैं, दोनों इक्वेट करा सकते हैं क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा फॉलो करता है। एनर्जी कंजर्वेशन में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल किसी भी एक पॉइंट का इक्वेट करते हैं काइनेटिक प्लस पोटेंशियल किसी भी अदर पॉइंट से। रूल जानिए, काइनेटिक तो ठीक है वेलोसिटी से पता चलेगा, पोटेंशियल कैसे पता चलता है? आप कहते हैं ग्राउंड से एच हाइट एबव होंगे तो प्लस MgH, और ग्राउंड से एच हाइट बिलो होंगे तो माइनस MgH, तो ग्राउंड कहाँ है?
जब आप कहीं भी पूरे यूनिवर्स में होंगे तो जमीन थोड़ा ना ढूंढेंगे कहाँ है जमीनिया। आप जिन दो स्टेट को कंपेयर करना है उसमें लोवेस्ट स्टेट को ग्राउंड स्टेट माने। इसका मतलब है कि जब हम H और L को कंपेयर करेंगे तो L विल बी द लोवेस्ट, ये ग्राउंड हो जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अगर इससे नीचे उतर गए तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव लिखेंगे, इससे ऊपर हो गए तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव लिखेंगे, और उस लाइन पर ही मेंटेन है तो पोटेंशियल एनर्जी आपको जीरो लेनी होगी। मान लेते हैं M और H का कंपेरिजन करना है, तो M डैश इज टू बी टेकन एज ग्राउंड एंड H विल बी टेकन एज R हाइट अबव, सो उसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस लिखेंगे। और अगर एम डैश को हम ग्राउंड मान ले रहे हैं तो माइनस आर, आर डेप्थ नीचे उतरेंगे तो एल मिलेगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम जे लिखेंगे। और वैसे भी जब इनको इनको डिस्कस करेंगे ये लोवेस्ट हो जाएगा, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, खुद की निगेटिव हो जाएगी, इससे नीचे जा रही है। ऐसी लाइन जिसको हम ग्राउंड मान के MGH लिखते हैं, डॉटम लाइन कहते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशंस में पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम ग्राउंड को नहीं ढूंढते, हम क्या करते हैं लोएस्ट पोजीशन डिफाइन करते हैं, उस लोएस्ट पोजीशन को डॉटम लाइन कहते हैं, और उस डॉटम लाइन पर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हैं। और अब जिस अदर पॉइंट की लिखनी है वो देखते हैं इससे ऊपर है कि इससे नीचे है। अगर इससे ऊपर है तो कितना ऊपर है से H, तो MGH, कितना नीचे है तो माइनस MGH, क्लियर है। तो हम अब निकालना चाहते हैं, यहां की वेलोसिटी डिस्कस करना चाहते हैं, तो हमने कहा टोटल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट इक्वल टू टोटल एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट। टोटल एनर्जी मतलब क्या, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट द हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट द लोएस्ट पॉइंट। आपको पता है लोएस्ट पॉइंट को ही आप ग्राउंड मान रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो कर देंगे, और लोएस्ट पॉइंट के कंपेरेटिवली जब ऊपर वाले पॉइंट को देखने जाएंगे तो ट्वाइस आर हाइट एबव मिलेगा ना, अरे वन आर एंड वन आर, टू आर हाइट एबव मिलेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखेंगे, टू एम जी आर हो जाएगा ना। एम जी एच से आप लिख पाएंगे टू एम जी आर, क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी, एनी वेलोसिटी वीएच है, तो एनी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम वीएच स्क्वायर, और लोएस्ट पॉइंट की एनी वेलोसिटी क्या है वीएल, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा हाफ एम वीएल स्क्वायर। इसका मतलब है जिस जो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज है, इंस्टेंटेनियस पोजीशन है के अकॉर्डिंगली टोटल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट से आपको इक्वेशन मिल रहा है हाफ एम वी एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम जी आर इज इक्वल टू हाफ एम वी एल स्क्वायर। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रिलेशन है। कोई भी वेलोसिटी एट एल, अगर वी एल है तो कोई भी वेलोसिटी एट एच वी एच होगा, लेकिन हमको तो हाईएस्ट पॉइंट की सिर्फ एक वेलोसिटी पता है, दैट इज वी एच सी, तो जैसे ही वी एच क्यूब को वी एच सी से रिप्लेस करेंगे लोएस्ट पॉइंट की हमें एक वेलोसिटी पता चल जाएगी, क्रिटिकल वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट अगर रख दें तो आपको रिलेशन मिलेगा हाफ। ये आपके सिलेबस का पहला सबसे बड़ा डेरिवेशन है, अब तक का पहला सबसे बड़ा डेरिवेशन, जो कम से कम चार पेज में या साढ़े चार पेज में एग्जाम में लिख के आएंगे आप, ठीक है, पांच नंबर के, ये पूरा फुल प्लेस मिलता है शुरू से लेके अंत तक, डिफरेंट पॉइंट पर क्रिटिकल वेलोसिटी एंड क्रिटिकल टेंशन का कैलकुलेशन किए, बस इतना ही क्वेश्चन, ठीक है। और आप शुरू हो जाते हैं रोबोट की तरह और लिखना शुरू करते हैं, हमको भौंकना ज्यादा पड़ा और आपको लिखना ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम वहां रख दें तो हाफ एम वी एच सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम जी आर इज इक्वल टू हाफ एम वी एल सी स्क्वायर, मैं ये बताया आपको, रख दीजिए वन बाई टू एम, कितना है ये जी आर स्क्वायर करके रखेंगे तो आर जी जाए जी आर, आर जी प्लस टू एम जी आर इज इक्वल टू वन बाई टू एम वी एल सी स्क्वायर, टू टू जब फोर वन फाइव, फाइव बाई टू एम जी आर, फाइव बाई टू एम जी आर इज इक्वल टू हाफ एम वी एल सी स्क्वायर, एम बाई टू कैंसिल हुआ, 5
5 GR is equal to VLC square. Minimum velocity imparted at the lowest point is the under root 5 GR. अगर ये रूट 5 GR वेलोसिटी यहाँ दी गई होगी तो किसी तरीके से खींच खांच के m को क्रॉस करते हुए h पर पहुंचेगा और रेजिडुअल वेलोसिटी बचेगी अंडर रूट gr. उस अंडर रूट gr की वजह से इसके ऊपर एक ट्यूगल लगेगा जो वेट को मैनेज कर देगा, जिसकी वजह से ये नहीं गिर पाएगा और फ्लोट करते हुए ये आगे आएगा, और जैसे ही आगे आया वेट का कंपोनेंट फट से इसको खींच के सर्किल पर मेंटेन कर देगा. जब ये L से H पर पहुंचा तो बीच में एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहिए था ना, M. तो पहले हम लोगों को ये पता चल गया ना कि VLC इज द रूट 5 GR. मिनिमम वेलोसिटी इंपार्टेड एट द लोएस्ट पॉइंट कितना है, तो ये भी तो ढूंढ लेना चाहिए कि मिनिमम एफर्ट डन. आपको क्या लग रहा है, अगर मैं इसको फ्री कर दूं सर्कुलेट करने के लिए, ऐसे ये सर्किल बना सकता है, तो मैं इसको यहाँ से कोई भी वेलोसिटी सेट करूं तो क्या ये सर्किल बना लेगा क्या? एक पार्टिकुलर वेलोसिटी है मिनिमम वेलोसिटी, जिसके लिए जब इसको मारेंगे पट से तो एक सर्किल बना के लौट आएगा, और अगर पटपट आते रहेंगे पटपट 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 तो ये पटपट पटपट सर्किल बनाता रहेगा. वो लगता है ना पेट में वो जो ऐसे चलता उतरता है, कौन सा दूल्हा बोलते हैं, गोल का दूल्हा. अगर क्रिटिकल क्रैक, उसकी एक क्रिटिकल वेलोसिटी है हर पॉइंट पर, अगर वो मेंटेन नहीं कर पाया जो रोटर जो उसको चला रहा है, तो आपको क्या लग रहा है उसी में रहेंगे क्या, सिंपल पेंडुलम बन जाएंगे, ऐसे ऐसे करेगा उसी में, ठीक है. और आप गाना गाइएगा, अभी तो नेट पर किसी ने डाला है डिजिटल का झूला टूटा है कहीं का, ठीक है, वो रॉड में ऐसे लटक रहा था, ऐसे इस तरह से रॉड थी, इसी में बकेट था बास्केट, और कुछ एक डेढ़ हजार लोग बैठे थे, वो ऐसे स्विंग करता था खाली, बताए थे मतलब एडवेंचरस जर्नी के लिए था. जैसे ऐसे स्विंग किया उसकी वेलोसिटी जो उसका एक्शन था वो टूट गया, और जब टूट गया तो गया ऐसे और ऐसे ही गिर गया. सोचिए जो कुर्सियां बैठे रहे होंगे उसमें उनका क्या हाल हुआ होगा. उस बता रहा था कि 2500 से 6000 लोग थे, जिसमें से 1500 लोगों का हाथ पर टूट गया. क्यों? क्योंकि बहुत ऊंचा था वो. वो मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा तो 6-7 मंजिल ऊंचा रहा होगा वो रॉड जो था, जो ऐसे ऐसे जो घूम रहा था ऐसे ऐसे, और लोग बैठे चिल्ला रहे थे हो हो, तब तक तो हो गया, ठीक है, हो गया हो, ठीक है, पूरा लेट है कि पूरा गिर गया. ये है तो इंडिया का था ये, वो तो फॉरेन का ना, ये इंडिया का भी है, बड़ोदरा है, उसमें थीम पार्क है ना उनका, बड़ोदरा में ही है शायद, मैं इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, फॉरेन वाला नहीं, इंडिया वाला था. यहाँ भी तो लगता है डिज्नीलैंड टाउन हॉल में लगता है, ठीक है. एक बार हम बैठी है माँ कश्मीर, उसके बाद हम कभी क्यों, जब स्पीड पकड़ लिया तो कुंडी बजनी शुरू, पहले धीरे धीरे बज रही थी, फिर जोर से बजने लगी, पूरा ऑर्केस्ट्रा बजने लगा. बड़ी डेंजरस है उस पर मेंटेन रख पाना, और उन सबों का पास तो और डेंजरस है. देखते हैं हम कैसे ट्रेन वहाँ चलती उन सबों की, वो पानी में सब गुजर गया ऐसे ऐसे ऐसा, मतलब पूरा जिग गया, पूरा गोजर मकड़ी, ठीक है, फुल फुल बनाया था उसी में. अब उसमें कितने लोगों का हार्ट अटैक कर जाता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हार्ट बाहर रख के जाइएगा, जाएगा हार्ट आपके साथ, अटैक होगा उसमें, ठीक है, घर रख के जाइएगा डिज्नीलैंड में. चलिए वापस आइए यहाँ. अगर हम इसको कहाँ ला के, एल वाला इक्वेशन कहीं लिखे थे, ये वाला टी एल माइनस एम जी, यानी कि एल पर जो मैथमेटिकल रिलेशन मिला था, क्योंकि वेलोसिटी पास आ रहे हैं तो टेंशन भी पता चल जाएगा कि एफर्ट डन, हम फिलहाल हाथ से पेंडुलम हिला रहे हैं, आगे चल के यही मशीन से सेट हो जाएगा, ठीक है, ये बास्केट बना देंगे ताकि आप बैठ सके, ये एक्सल रॉड हो जाएगी और यहाँ रोटर लगा होगा जो इनको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, सो दैट आप स्विंग करने का आनंद ले सकेंगे. अब आ जाइए आप यहाँ पे कि इस पॉइंट पर जब आप इक्वेशन लिखे थे तो आपको मिला था TL माइनस MG इज इक्वल टू M VL स्क्वायर बाई R. आपको L की सबसे लोवेस्ट वेलोसिटी पता चली, तो L का सबसे लोवेस्ट एफर्ट आपको पता चलने वाला है TL से. L की कोई भी वेलोसिटी रखते तो L का कोई भी टेंशन निकलता, L की एक वैल्यू रख रहे हैं वेलोसिटी की, दैट इज द लोएस्ट क्रिटिकल वेलोसिटी, तो L का आपको लोएस्ट क्रिटिकल टेंशन TLC पता चल रहा है. आ जाइए यहाँ, ये हो जाएगा TLC माइनस MG इज इक्वल टू M बाई R VLC स्क्वायर. VLC आपने निकाला हुआ है रूट 5 GR, स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 5 GR. R और R कैंसिल हुआ, TLC माइनस MG इज इक्वल टू 5 MG, 6 MG हुआ, कहाँ 4 हुआ,
DLC is equal to, इधर आएगा प्लस हो जाएगा ना 6mg, m मास को मेंटेन कर रहे हैं, एफर्ट कितना आ रहा है 6mg। जब लिफ्ट में एंट्री मारते हैं तो अंदर वहां जब जैसे एंटर करते हैं लिखा रहता है नॉट मोर देन 6%, ऐसा लिखा रहता है। क्यों लिखा है उतना? हम ज्यादा जाएंगे, हमारी मर्जी, हम सब लोग एक साथ लग के जाएंगे। एक एम मास का आदमी चढ़ेगा तो जैसे ही वो स्टार्ट होगा उसका मोटर उसको खींचने के लिए कितना लोड पड़ेगा 6m। और वो जो लिखा है कि 6 आदमी अधिकतम, तो मान लिया सब एम एम मास के हैं तो टोटल मास कितना हो गया 6m, और जैसे उसको खींचने के लिए इंजन स्टार्ट होगा कितना लोड पड़ेगा 6 गुना। अभी ये मिनिमम है, ठीक है, और इससे भी ज्यादा लद लिए है छोड़ देगा तो लिफ्ट ऊपर छोड़ ले जाएगी ठीक है, छोड़ देगी जाओ बेटा ठीक है, या तो कहीं हैंग हो जाएगी काम रहेगी। अक्सर ये जब मिनिस्टर जाते हैं सेक्रेटेरिएट में तो लिफ्ट में फंस जाते हैं, अक्सर न्यूज में आता है। क्यों? बदतमीज होते हैं सर, एक एक दो दो करके चढ़ेंगे नहीं, चलो 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 भाई। तो मशीन है, आदमी थोड़े ना है, घोड़ा थोड़े ना कि बेचारे को कोड़ा मारे जा रहा है मर से दम तक खींच रहा है। मशीन है, या तो फॉलो करेगा या फॉलो नहीं करेगा, बीच का कोई रूल नहीं। ज्यादा टेट हो करेंगे ना तो छोड़ देगा, मतलब टूट जाएगा उसकी इलास्टिसिटी, और टूट जाएगा तो सोचिए क्या होगा, लिफ्ट फ्रीली गिर रही है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे गाँव में चूहा मारने की कला, जब चूहा पकड़ लेते हैं तब उसको घोड़े में डाल देते हैं, घोड़े का मुँह पकड़ लेते हैं और पटक 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 के मारते हैं, मतलब उसको दिखाई ना दे उसके साथ क्या हो रहा है। जब लिफ्ट गिरेगी उसके अंदर आपने बाहर का तो कुछ दिख नहीं रहा है क्या होगा, ठीक है, उसी में इधर सुधर 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 वही चूहा वाला हाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए वापस आइए, का वो मारे नहीं का चूहा है। अच्छा सिटी में तो प्रेम से पकड़ लेते हैं चूहेदारी लगा के और ले जाके दूसरे घर के सामने छोड़ा क्यों, जितने शॉप वाले हैं ये सब रात में सब लगा देते हैं वो चूहा पकड़ने वाला, और चूहैया भोर में सब उसको ला के मोहल्ला में छोड़ देते हैं सर। इतना चूहे उत्पात मचाते हैं सर वो चूहे, खूब बड़े बड़े, क्योंकि खा खा के सब मोटे मोटे रहते हैं, और वो सब दुकान वाले गणेश जी मानते हैं तो मारते नहीं हैं। और गरबा में हम लोग क्या करते हैं, रेड चिल्ला कर देते खूब रात भर, ठीक है सुबह ठीक है, क्योंकि खाने का आदत पड़ा रहता है शॉप में, फ्री का माल है, घर में भी कुतर कुतर खाते हैं सब, और न रख के कुछ और खा जाते हैं सर, ठीक है। पता चला पेंट पसंद आ गया, काट के थोड़ा सा लेते गए अपने चूड़िया के लिए, ये देखो न्यू बना लेवाइस का है, जिनका कटा है वो चिल्ला रहा अबे इतना कहाँ गया, तो अंदर था कोई बात नहीं बेटा नए फैशन का हो गया। इसीलिए शायद सिटी में ज्यादा आजकल फेवरेट हो चुका है फटहा एंड कटहा जी, क्यों बॉम्बे वॉम्बे में तो चूहे से परेशान रहते लोग, वहां तो गणपति बप्पा की खूब जम के पूजा होती है, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, ठीक है चूहा मारते नहीं है सर, तो मेरे ख्याल से वहीं से फैशन चला होगा ये, क्यों क्योंकि नया शर्ट खरीद के लाए पसंद आ गया है, आधा चूहा काट ले गया बचा आधा, कोई बात नहीं इसकी भी तैयार है, क्यों उठाएंगे ऐसे तो हवा भी तो लगेगी क्यों डिजाइन भी हो गया हवा भी लगेगी, और अगर जगह जगह काटा है कहीं गलत जगह नहीं काटा है तो ठीक है, तो वो फैशन में आ गया, ठीक है। पहले क्या होता था पैच रख दिया जाता था, पैच तो लोग कहते थे गरीब है, और आजकल पैच रख दिया जाए तो अमीर, अच्छा है यू नो दैटिंग पर्सन कितना रिच पर्सन है, पैच जब फटा कपड़ा है जितना ज्यादा फटा कपड़ा उतना अमीर पर्सन, ठीक है, और जितना गरीब पर्सन, जैसे मुझे देखिए पूरा रूल्स ये देखिए, आप ही सोचिए ये अगर मैं काट के यहाँ तक कर लेता तो एक बिता और एक अंदर है, इतना इतना निकल जाता कपड़ा, एक छोटे बच्चे का सर तैयार हो जाता, तो सोचिए गर्मी एसी चलाना पड़ रहा है नहीं चलाना पड़ता बंद, जब हाथ उठाते तो सर 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 हवा लगता, जब ऐसे करते तो इधर से हवा लगता, सोचिए ये देखिए ये कोई मतलब नहीं, डीप कट मारता है तो डीप कट रैम्बो स्टाइल में दिखता है ये सब, ठीक है, क्या जरूरत है ये थोड़ा यहाँ तो चार यहाँ हो सकता है, छोटा छोटा जोड़ के इतना बड़ा एक और कपड़ा तैयार हो जाता, कम से कम मुंह ढकने के काम आ जाता, क्यों ये फूल पहन के क्या फायदा है, ठीक है हाफ रहता तो कम से अरे इतना इतना हटा दे तो एक बच्चे का पैजामा नहीं तैयार हो जाएगा, क्यों दो टंगड़ी में पहनाना है क्यों, लेकिन सिटी में क्या है हम लोग सामान्य पर्सन है, हम लोग ज्यादा फैशन में बिलीव नहीं करते, गरीब मास्टर आदमी है तो फुल शर्ट पहन रहे हैं, जब और अमीर हो जाएंगे तो हाफ शर्ट पहनेंगे, और अमीर हो जाएंगे क्यों, चलिए कोई बात नहीं है वापस आइए